नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल इस सीरीज में आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। मखाने यानी कि लोटस सीड, इसकी तासीर ठंडी होती है, ऐसे में उपवास के दौरान इसको खाना काफी फायदेमंद रहता है। आज हम बनाएंगे क्रीमी और मजेदार मखाने की खीर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो आखिर तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मखाने, 750 ml दूध एक बार उबाल लिया था, 1/3 कप चीनी, मीठा अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच देसी घी, गाय का अगर है तो ज्यादा अच्छा है, इस रेसिपी में हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं है। तो ये तो थे बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इसी के साथ यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, 2 बड़े चम्मच काजू, 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 1 बड़ा चम्मच पिस्ता, 1 बड़े चम्मच चिरौंजी, गार्निशिंग के लिए कुछ सूखी गुलाब की पत्तियां, कुछ धागे केसर के, और फ्लेवर के लिए लिए है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस। पैन में ऐड करेंगे घी, सबसे पहले रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स को, बादाम ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे। घी रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है, इनके अंदर का कच्चापन निकल जाता है। ऐसा करके अगर आप किसी भी रेसिपी में इन्हें यूज़ करेंगे तो एक अलग ही फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। बस कलर नहीं बदलने देना है। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, इस स्टेज पर ऐड करें किशमिश। किशमिश डालने के बाद इन्हें रोस्ट नहीं करना है, 1 से 2 बार चलाने के बाद इन्हें हम कर लेंगे अलग। अभी इसी पैन में, इसी बचे हुए घी में हम ऐड करेंगे मखाने और इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स की तरह चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मखाने बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए जाएंगे। इस रेसिपी के अंदर घी बहुत कम काम में लेना है। अगर ज़्यादा घी काम में लेंगे तो जब खीर बनेगी तो ऊपर आपको घी दिखाई देगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इस तरीके से मखाने को तोड़ कर देखना है। कच्चा मखाना आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन रोस्ट होने के बाद में ये एकदम क्रिस्पी हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अभी इन्हें निकाल लेंगे और ये देखिए पैन में बिल्कुल घी नहीं बचा है, मखानों ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी इसी पैन में ऐड करेंगे दूध और अच्छा सा बॉयल आने देंगे। लगातार चलाते जाएं, साइड स्क्रैप करते जाएं और जब दूध अच्छे से उबल जाए तो ऐड करेंगे चीनी, इलायची पाउडर और एक बार इसे फिर से चलाएंगे। दूध हमें पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए, इससे इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मखाने, अभी इन्हें कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मखाने जैसे जैसे कुक होंगे इनका साइज छोटा होता जाएगा, बस बीच बीच में चलाते जाएँ, साइड स्क्रैप करते जाएँ। रोस्टेड मखाने में से मैंने 1/3 कप के आसपास कुछ मखाने रख लिए थे और उन्हें इस तरीके से क्रश कर लिया था। अभी ऐड करेंगे क्रश किए हुए मखाने, ऐसा करने से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। साथ ही यहाँ मैंने ऐड किए हैं कुछ केसर के धागे, 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे घी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ मैंने चिरौंजी ऐड करी है, और फ्लेम कर देंगे ऑफ, अच्छा सा मिक्स देंगे, साइड्स को स्क्रैप करेंगे और ये क्रीमी मज़ेदार मखाने की खीर तैयार है। इसे चाहे गर्म सर्व करें या ठंडा, ये खाने में काफ़ी मज़ेदार लगती है और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल भी घी इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी तक आपने मखाने की खीर नहीं खाई है तो इस नवरात्रि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना भी आसान है, साथ ही साथ ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये था आज का फ्लेवर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।